कैसे होता है. ओके इट इज नॉट पॉसिबल कि हमने पिज्जा खाया तो पिज्जा को पिज्जा के अंदर चला गया. नो इट इज ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म्स. ओके अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन किसको हम बोलते हैं. ओके तो ब्रेकिंग ऑफ द फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस एंड इजी टू स्वेलो इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है. ओके डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन के काम में आते हैं. अभी देखो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है. फर्स्ट इज माउथ, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर फूड आता है. फिर जो टीथ होते हैं वो उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं. और जो टंग होती है वो किस काम में आती है. ये जो थ्री हमारे सिलाइटिक ग्लैंड होते हैं 1, 2 and 3 ये टंग सलाइवा में ये सलाइवा निकलते हैं. और जो सलाइवा होती है वो टंग उसको मिक्स करती है फूड के अंदर, क्योंकि ये स्वेलो करने के लिए फिर ईजी हो जाता है. ओके निकलने के लिए फूड ईजी हो जाता है. फिर ये जो पाइप देख रहे हैं आप इतनी लंबी लंबी पाइप है, इसको हम लोग ईसोफेगस और फूड पाइप भी बोलते हैं. हमारी बॉडी में कितनी पाइप होती है? 2 पाइप होती है. यहाँ पर फर्स्ट इज विंड पाइप एंड फूड पाइप. ओके सो दिस इज द लॉन्ग ट्यूब विच कम्स एंड ईट फूड्स. ओके इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं. अभी इस पाइप के अंदर से धीरे धीरे फूड आता है. ये स्टमक के अंदर जाता है. कहाँ जाता है? हमारे स्टमक के अंदर. स्टमक इज अ मस्कुलर बैक लेग स्ट्रक्चर. ओके ये एक मसल्स का बना हुआ बैक लेग स्ट्रक्चर होता है. इसमें इतना ही होता है स्टमक. ओके इट इज वेरी स्मॉल. इसके अंदर एसिड होता है, जूसेस होते हैं बहुत सारे, मिक्स एंजाइम्स होते हैं और जो फूड को हेल्प करते हैं. ओके मिक्स करने में, जो फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं. अभी ये इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा लीवर है. लीवर के अंदर ये जो होता है ये गॉल ब्लैडर होता है. लीवर जो जूस बनाता है जिसे हम बायल जूस बोलते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है. और जब बॉडी को नीड होती है बायल जूस की तब ये जो आप डक्ट देख रहे हैं इसे हम बायल डक्ट भी बोलते हैं. और ये गॉल ब्लैडर से निकलती है और इस डक्ट के अंदर से ये जो जूस होता है ये आता है. अभी हम देखेंगे पैनक्रियास का क्या फंक्शन होता है. पैनक्रियास के जो अंदर भी एक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं उसे, वो इसी पाइप से, जो ग्रीन ग्रीन आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप से जब नीड होती है तब आता है. ओके अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड का कैसे डाइजेशन होता है. अभी ये जो यहाँ से ये स्टमक की जो आप पाइप देख रहे हैं ये वाली, ये जो पाइप है ये धीरे धीरे यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है. ओके सो यहाँ पे हमारा फूड आता है, फिर धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा डाइजेस्ट होता है. ओके जितना ये फूड धीरे धीरे ले, जो जूस होते हैं हमारे बायो जूस और अलग अलग टाइप के जो जूस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको जो जूस होते हैं फूड, हमारे जो सॉलिड फूड होता है उसको थोड़ा लिक्विड में फ्लूइड टाइप में चेंज कर देते हैं. तो धीरे धीरे जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर देता है. ओके सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर जो वेस्ट बचता है हमारे फूड का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, वो इससे देखो ये जो लाइन है इससे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है. ओके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा घूमता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो थोड़ा बचा खुचा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब करती है और ये सारा वेस्ट में हमारे इधर जाता है जो वेस्ट होता है. ओके अभी अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स होती है ये एक ऑर्गन होता है, लेकिन ये अभी हमारे को एक फिलहाल काम में नहीं आता है. इट इज नो फंक्शनल ऑर्गन. ओके इट इज ऑल्सो नोन एज नो फंक्शनल ऑर्गन बिकॉज इसका कोई फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में. और इस अपेंडिक्स का अगर इसकी डिजीज भी हो सकती है हमारे, जैसे कि अपेंडिक्स होती है उसके अंदर अगर कोई कचरा फंस जाता है, क्योंकि इधर से वेस्ट आता है तो यहाँ पर कोई वेस्ट फंस जाता है तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है. और अगर ये अपेंडिक्स लंबी होती है अगर बढ़ जाती है तो भी हमारे, तो इसको ऑपरेशन से काटा जा सकता है बिकॉज इट हैज नो फंक्शन. अब ये जो फूड होता है वेस्ट फूड ये यहाँ से रेक्टम में होता है, या रेक्टम में ये फूड स्टोर हो जाता है.